हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक। सो जो लोग सीमेट एग्जाम देने वाले हैं और देने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है कि सीमेट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना, सीमेट 2021 का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। सो जो लोग देने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी जाके एग्जाम का फॉर्म फिल कर दीजिए। और जो लोग अभी प्रिपरेशन ले रहे थे, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरह से कीजिए। और इस वीडियो में मैं और एक चीज बोलूंगा कि आपके सीमेट एग्जाम में और एक ऑप्शनल कोर्स ऐड हो रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं इस वीडियो में दिया हूं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, जो एनटीए है, एनटीए कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या करता है? ये सीमेट एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सीमेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, और एक एडिशनल ऑप्शनल सेक्शन ऐड हुआ है। एडिशनल ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो तो इस सेक्शन को ले सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं लेना है। तो एडिशनल ऑप्शनल सेक्शन क्या ऐड हुआ है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किन लोगों के लिए ऐड हुआ? जो लोग इंटरेस्टेड है इसके ऊपर। किसके ऊपर? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो आप लोग अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर इंटरेस्ट है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अगर इंटरेस्ट है तो भर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करने का सोचते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि लाइफ ही इनोवेशन के ऊपर है। पहले देखिए, हम लोग कौन सा मोबाइल यूज करते थे? नोकिया 3310। अब कौन सा यूज करते हैं? एप्पल का आईफोन। तो जेनरेशन कैसे इनोवेट कर रहा है, ठीक है। और बिजनेस का भी नए नए चांसेस आ रहा है। तो अगर आप सच में सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस में जाना है, तो आप लोग ये वाले कोर्स को, मतलब ये वाला सेक्शन को ऐड कर दीजिए। अगर आप सोच रहे कि मैं कहां से पढ़ू, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभिषेक सर अभी भी जिंदा है, और मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ठीक है। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वाला जो सेक्शन है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग ही भरे, ठीक है। बाकी लोगों को भरने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम का पैटर्न था वही रहेगा, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है। तो क्या है सेक्शन का नाम? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 25, एंड एडिशनल टाइम कितना मिलेगा? 30 मिनट्स। जो लोग अभी फॉर्म भर चुका है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग वेबसाइट में जाके फॉर्म को फिर से रिफिल कर सकते हैं, सही कर सकते कि मेरे को ये कोर्स चाहिए। और जिन लोगों को नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं करने का, जैसे आप प्रिपरेशन ले रहे हो लेते रहिए। और एक चीज एनटीए ने बोला, ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा? 22 फरवरी को कंडक्ट होने वाला था, 27 फरवरी को कंडक्ट होने वाला था। तो अब कब होगा? अब ये कंडक्ट होगा मार्च को, एंड ऑफ मार्च, नहीं तो अर्ली अप्रैल को। अर्ली अप्रैल मतलब कब है? मतलब अप्रैल का फर्स्ट वीक में भी, नहीं तो मार्च का लास्ट वीक में कॉन्डक्ट हो सकता है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया मतलब किताब उठा के वैलेंटाइंस डे मनाए, घूमना शुरू कर दे, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अगर टाइम मिला है तो उसका अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, ताकि आप लोग सीमेंट में बहुत अच्छी तरह से फोकस कर सकते हो। एंड जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन वाला कोर्स चाहते हो, तो वो लोग ज्वाइन कर लो हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो मिल जाएगा, सब फ्री है, टेंशन मत लीजिए। और अगर आप लोग अपने फॉर्म में, जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हो, चेंज करना चाहते हो, तो वेबसाइट में चले जाओ, उधर जाके फॉर्म चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेट दिया हुआ है, आप कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हो देखो। शेड्यूलिंग के लिए 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप रिशेड्यूल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड पेमेंट लास्ट कब तक कर सकते हो? 26 फरवरी तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो। देखिए मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया, अच्छी तरह से पढ़ लेना। और ये फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शनल है, जिसको चाहिए वही लो। जो सीमेंट का पैटर्न है उसके साथ जस्ट ये ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बिजनेस का सोचते हो तो लो, पढ़ाई लेकर टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए पूरा लेक्चर लेके आऊंगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो एंड सबके साथ शेयर करो। मैंने पूरा डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।